आफ्टरनून एवरीवन। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून बेटा। क्वेश्चन सिक्स। क्वेश्चन सिक्स। ओके, ये वाला चैप्टर खत्म करके देन वी विल स्टार्ट विद रीजनिंग सिलेबस आल्सो। ठीक है? ओके सर। ओके, सर सर जैसे आज मैं स्कूल नहीं गई, पता है कल परिधि, मतलब कल से परिधि ऑफलाइन नहीं चाहिए, ऑनलाइन आएगी। क्यों सर? क्योंकि अभी ना परिधि का मैसेज आया परिधि के नंबर से कि कोविड के एक फोटो आया, ठीक है, उड़ीसा में COVID-19 छात्रों को कोविड पॉजिटिव था और 180 स्टूडेंट्स और 11 टीचर्स की जांच हुई। तो फिर मैंने कहा परिधि क्या तुम आज स्कूल नहीं गई? तो फिर उनकी मम्मी ने कहा बेटा वो अब स्कूल नहीं जाएगी कल से, अब वो ऑनलाइन करेगी। क्या हुआ क्या हुआ? आई डोंट नो, क्या समझ में नहीं आया। मतलब मैंने उनकी मम्मी का ऑडियो मैसेज आया कि बेटा वो कल से स्कूल नहीं जाएगी, वो सिर्फ ऑनलाइन क्लासेस करेगी। तो मैंने कहा अच्छा आंटी कि मतलब इस कोविड की वजह से आप नहीं भेज रही? तो बोल रही है जी बेटा। अच्छा, तो हुआ क्या था, क्या कहाँ पे टेस्ट हुआ? सर परिधि का भी टेस्ट हुआ, कोविड के केसेस बढ़ रहे इस वजह से। ओके सर, कोविड का नया वर्जन आ गया है ना सर? ओमिक्रॉन है ना। नया वर्जन आ गया, जैसे एंड्रॉइड का नया वर्जन आ गया था, इसी कोविड का भी नया वर्जन। यस सर, कभी वेब सीरीज आ रही थी, अब वर्जन आ गया। चलो सही है, अपडेट हो रहा है, नया अपडेट आया है, डाउनलोड हो रहा है अभी, आजकल डाउनलोडिंग पे चल रहा है नया अपडेट। जैसे एंड्रॉइड का नया अपडेट आता है तो डाउनलोड करना पड़ता है, ये अपने आप ही डाउनलोड हो जाता है बिना डाउनलोड करे। Yes, sir. सर अब ऑनलाइन क्लासेस में एक स्टूडेंट बढ़ जाएगी। चलिए। Yes sir, question number 6 we are not able to do. Exercise 15D. 15D क्वेश्चन नंबर। हाँ वीवर तो पहले से ही कर रहे थे, अच्छी बात है, चलो वो कंप्लीट करना था हमको, मैंने सेव करके रखा हुआ ये रहा। ओके, सो वीवर डिस्कसिंग अबाउट दिस 56.25 था पहले, हमने डेसिमल को यहाँ पर देखो 56.25 था, तो पहले डेसिमल को हटा के डिनोमिनेटर में 100 कर दिया। ए सी स्क्वायर इक्वल, मैं शुरू से समझा देता हूँ, डोंट वरी। दिस इज द ट्राइंगल, ट्राइंगल ए बी सी, इसमें आपको ए बी 6 सेंटीमीटर, एक साइड 6 सेंटीमीटर दी है, दूसरी 4.5 सेंटीमीटर दी है। वी हैव टू फाइंड द हाइपोटन्यूज, ये मिसिंग है हाइपोटन्यूज। ओके, ये फाइंड करनी है, तो वी विल राइट द फॉर्मूला ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, दैट मीन्स हाइपोटन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। रीजन जरूर लिखेंगे ब्रैकेट में, ये लिखा है, व्हाट इज द रीजन? पाइथागोरस थ्योरम, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस अंकल द स्क्वायर ऑफ हाइपोटन्यूज इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ अदर टू साइड्स। हाँ जी बेटा, क्या कह रही है? तो पाइथागोरस थ्योरम ये क्या होता है? ये क्या होता है? यू वर नॉट देयर इन द फर्स्ट क्लास टुडे,
थी तो लेकिन वॉइस नहीं आ रही थी, मैं एकदम से कनेक्ट हो गई थी, डिसकनेक्ट हो गई थी वॉइस से। आप एक काम करना, रिकॉर्डिंग देखना, मैंने उसमें समझाया है पूरा पाइथागोरस थ्योरम क्या चीज होती है, कैसे यूज करते हैं, ठीक है? ओके, थोड़ी सी रिकॉर्डिंग देख लेना जहां पर मैंने दिखाई है, थोड़ी बड़ा बड़ा के देख लेना, 15 मिनट्स लगेंगे, सारी रिकॉर्डिंग आपको समझ में आ जाएगी, ठीक है? सो ओके AC स्क्वायर इज इक्वल टू 6, अब AB की वैल्यू लगा दी यहाँ पर 6 एंड BC की वैल्यू लगा दी 4.5, सो AC स्क्वायर इक्वल टू 6 स्क्वायर प्लस 4.5 स्क्वायर, 6 स्क्वायर हो गया 36, ये देखिए 36, 6 स्क्वायर एंड 4.5 का स्क्वायर 20.25, ठीक है, ऐड करके मिल गया 56.25 यहाँ पर, ठीक है? नाउ डेसिमल हटा देते हैं न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर में 100 लगा देंगे, 5625/100, वी विल नाउ फाइंड द वैल्यू ऑफ AC, अभी तो AC स्क्वायर की वैल्यू इतनी दिख रही है हमको, AC निकालने के लिए वी विल डू फैक्टराइजेशन ऑफ 5625, फैक्टराइजेशन किया है ये कराए, देखिए 5625 को फैक्टर्स कर लिए, तो 3 का एक पेयर ये रहा, 2 3 ये रहे एंड 2 पेयर 5 के बन गए, एक पेयर ये रहा एक पेयर ये रहा, बन गया पेयर, तो ऐसे ही लिखा हमने 3 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर, एंड डिनोमिनेटर में 100 है, 100 क्या होता है 10 स्क्वायर होता है, सबको पता होगा, इसके आगे कैन वी राइट इट एज 3 इंटू 5 इंटू 5/10 होल स्क्वायर, ऐसे लिखेंगे पहले इसको, होल में स्क्वायर ले आएंगे, सारी टर्म्स पे स्क्वायर लगा हुआ है, 3 पे भी लगा है, 5 पे भी लगा है, 5 पे भी लगा है, 10 पे भी लगा, तो होल में लगा देंगे स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर, इसका मतलब यही है। अब दोनों तरफ LHS में भी पावर 2 है, RHS में भी पावर 2 है, दोनों तरफ से पावर को हटा देंगे, AC इक्वल्स टू 3 इंटू 5 इंटू 5/10 बचा, कटिंग करने की जरूरत नहीं है, AC मल्टीप्लाई कर लीजिए न्यूमरेटर में, 3 इंटू 5 इंटू 5 होगा 75, 3 इंटू 5 15 15 इंटू 5 75 75/10 कितना होता है, 75/10 7.55, सॉरी 7 डेसिमल लग जाएगा बस, 7.5 सेंटीमीटर्स आंसर, ठीक है? दिस इज हाउ यू कैन फाइंड आउट द स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर, इसको बोलते हैं स्क्वायर। तो ये 56.25 किसका स्क्वायर हुआ, किसका स्क्वायर निकला, ये निकला 7.5 का स्क्वायर, अगर आप 7.5 का स्क्वायर करेंगे तो 56.25 आ जाएगा, ठीक है? ऐसे निकालते हैं स्क्वायर रूट, फैक्टर्स करते हैं मेनली, सबसे मेन बात क्या है, फैक्टर्स करके निकल जाता है। ओके, नेक्स्ट करें, यस सर, क्वेश्चन 7, इफ यू ऑल हैव नोटेड दिस ओनली देन वी आर गोइंग टू स्टार्ट क्वेश्चन 7, मैं इसको थोड़ा छोटा कर देता हूं सो दैट यू ऑल कैन नोट डाउन, ओके फाइन, नोट डाउन, वेरी गुड, सर ये तो समझ में आ गया फैक्टर सब जैसे, ऐसे भी अभी आपने निकाला, बट सी थ्योरम समझ नहीं आया ये क्या था, थ्योरम पाइथागोरस थ्योरम है बस, इट इज अप्लाइड इन अ राइट ट्रायंगल, राइट ट्रायंगल में एक हाइपोटन्यूज होती है, हाइपोटन्यूज कौन सी साइड को बोलते हैं, द साइड व्हिच इज अपोजिट टू राइट एंगल, राइट एंगल के अपोजिट वाली जो साइड होती है दैट इज नोन एज हाइपोटन्यूज, तो हाइपोटन्यूज का स्क्वायर, हाइपोटन्यूज h, h स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, p किसको बोलते हैं, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर स्क्वायर b होती है बेस स्क्वायर, ये वाली साइड जो है इसे परपेंडिकुलर बोलते हैं मोस्टली, सॉरी परपेंडिकुलर p, इस वाली साइड को बोलते हैं ट्रायंगल की b, और ये वाली जो साइड है इसको बोलते हैं h, h बोले तो हाइपोटन्यूज,
तो हाइपोटन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर ओनली इन अ राइट ट्रायंगल, सिर्फ और सिर्फ राइट ट्रायंगल में ही लगाते हैं पाइथागोरस थ्योरम। तो वही फॉर्मूला यहाँ पर लिखा है मैंने, ये यहाँ पर हाइपोटन्यूज कितनी है ए सी है, परपेंडिकुलर कितनी है ए बी है, और बेस कितनी है बी सी है। तो ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, बस वैल्यूज पुट करी और ए सी की वैल्यू निकाल ली, यही काम करना है। स्क्वायर क्यों लगा दिया? स्क्वायर होता है फॉर्मूला में, होता है स्क्वायर, ये फॉर्मूला है, फॉर्मूला में स्क्वायर लगा होता है सब में, ठीक है? सर अब आ गया समझ में। आप फिर भी वीडियो देख लीजिएगा, ज्यादा अच्छे से समझ जाएगा, मैंने तो अभी बहुत शॉर्ट में बताया। ओके ठीक है, नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7, वेरी इजी। क्वेश्चन 7 कह रहा है The lengths of the sides of some triangles are given below. Which of them are right angled? आपको यहाँ पर sides दे रखी हैं और बताना है कि इनमें से कौन सा right angle triangle होगा, कौन सा नहीं होगा। 15 centimeter first side, second side B, 20 centimeters, and third side C, 25 centimeter. तो इसमें सबसे बड़ी side कौन सी है? A, B और C? कौन सी बड़ी है सबसे? यस सर, सी इज द लार्जेस्ट साइड। सो यही साइड हाइपोटन्यूज हो सकती है, हाइपोटन्यूज इज ऑलवेज द लार्जेस्ट साइड, ये हो सकती है हाइपोटन्यूज, लेकिन तभी बन पाएगी हाइपोटन्यूज जब राइट एंगल ट्राइंगल होगा। तो हम वेरीफाई करेंगे कि ये पाइथागोरस थ्योरम वेरीफाई हो रही है यहाँ पे या नहीं हो रही है। सी स्क्वायर कितना हुआ? 25 स्क्वायर, विच इज 25 square is 625. Okay. And now A square plus B square निकालते हैं. 15 square plus 20 square. 15 square कितने होते हैं? 225. सर मतलब हमें पहले largest देखना होगा, उसके बाद में जो तो बचेंगे उसको plus करना होगा. Yes, उन दोनों के squares को add करना है. 225 प्लस 400 कितना हो गया? 625. तो आर वी गेटिंग द टू थिंग्स इक्वल? सी स्क्वायर भी 625 आ रहा है एंड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर भी 225 आ रहा है, तो देयरफॉर वी कैन से दैट सी स्क्वायर इज कमिंग इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हेंस क्या कह सकते हैं हम?
The Pythagoras theorem is verified. पाइथागोरस बेटा मेरी राइटिंग बहुत गंदी है, सही कर लेना. पाइथागोरस थ्योरम इज वेरी है. मुझे खुद रोज शर्म आती है अपनी राइट में, रात में डरावने सपने आते हैं अपनी राइटिंग के, समझ रहे हो. तो टाइपराइटर से लिख दिया करिए, टाइप कर दिया करिए. वो बहुत मुश्किल काम है टाइप करना. एंड द पाइथागोरस थ्योरम इज वेरीफाइड. ठीक है, वेरीफाई हो गई. देयरफॉर पाइथागोरस थ्योरम वेरीफाई हो गई तो हम क्या कह सकते हैं, देयरफॉर द ट्रायंगल इज राइट ट्रायंगल, राइट एंगल. हाँ, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम कौन से ट्रायंगल में लगती है, केवल राइट ट्रायंगल में लगती है. पाइथागोरस थ्योरम वेरीफाई हो गई इसका मतलब राइट ट्रायंगल ही होगा, देयरफॉर द ट्रायंगल इज राइट ट्रायंगल. ठीक है, यस सर. सिमिलरली यू विल डू द रिमेनिंग टू पार्ट. जरूरी नहीं है कि तीनों ट्राइंगल आपके राइट ट्राइंगल निकले, आपको चेक करना है कि है या नहीं है. अगर हो भी सकता है कि इक्वल ना आए तो आप कह देंगे द ट्राइंगल इज नॉट अ राइट ट्राइंगल बिकॉज पाइथागोरस थ्योरम इज नॉट वेरीफाइड. समझ गए? यस सर. ओके, आर यू ऑल गेटिंग इट? हो सकता है ना आए इक्वल, नहीं आएंगे तो आप लिख देंगे पाइथागोरस थ्योरम इज नॉट वेरीफाइड, द ट्राइंगल इज नॉट अ राइट ट्राइंगल. ठीक है, करिए स्टार्ट डूइंग बोथ द पार्ट्स, जो दोनों पार्ट्स बचे हैं सेवेंथ क्वेश्चन के, करिए. एंड प्लीज गिव योर आंसर इन द चैट बॉक्स, यस और नो, क्या आया, राइट ट्रायंगल है या नहीं है.
बेटा बताओ सेकंड पार्ट का आंसर क्या आया आप लोगों का? सर नो नो नॉट अ राइट ट्रायंगल, पाइथागोरस थ्योरम नॉट वेरीफाइड, देयरफॉर नॉट अ राइट ट्रायंगल. ओके एंड थर्ड वन यस इट इज अ राइट ट्रायंगल बिकॉज द पाइथागोरस थ्योरम इज वेरीफाइड. थर्ड वाला कंप्लीट करो बेटा, जिस जिसने कर लिया है अच्छी बात है, नहीं करा है तो करिए कंप्लीट. नेक्स्ट करें बेटा क्वेश्चन. यस सर हो गए दोनों पार्ट. यस सर. ओके वेरी गुड. अरे काफी सारे बच्चे हो गए. सौम्या यू वर नॉट देयर इन द फर्स्ट पीरियड. यस सर. ओके ओके क्वेश्चन एट. क्वेश्चन एट कह रहा है हमसे दैट In a triangle ABC, angle B is 35, angle C is 55. Write which of the following is true. इनमें से कौन सा true है? It is a kind of MCQ. ठीक है? देखिए. Question number 8. MCQ है बेटा ये. ठीक है यू कैन राइट द आंसर इन द बुक इटसेल्फ. देखिए ध्यान से, एक ट्राइंगल मैं बना लेता हूँ यहाँ पे. देखो ध्यान से, ऐसे ही रैंडमली मैंने कोई भी ट्राइंगल बना लिया है ए बी सी, वेयर एंगल बी इज 35 डिग्री, एंगल डी हमको सॉरी सी कितना दिया है 55 डिग्री, एंड इनमें से कौन सा आउट ऑफ द थ्री ऑप्शंस विच वन इज द करेक्ट वन ये पता लगाना है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल एंगल सम प्रॉपर्टी से हम पहले एंगल ए निकाल लेते हैं कितना है. एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल ए सम ऑफ ऑल द थ्री एंगल्स इज ऑलवेज 180 डिग्री. अभी अभी पढ़ी हमने एंगल सम प्रॉपर्टी गरम गरम ताजी ताजी. ठीक है सो इन दिस 35 प्लस 55 इसी चैप्टर के स्टार्टिंग में पढ़ी थी एंगल सम प्रॉपर्टी याद है. 35 प्लस 55 90 हो जाते हैं. हो गए तो एंगल ए यहां से कितना आया आप लोगों का? हाउ मच एंगल ए 180 माइनस 90 यानी कि 90 डिग्री आ गया एंगल ए. वेरी गुड एंगल ए राइट 90 डिग्री है राइट एंगल है. कैन वी से दैट ट्रायंगल एबीसी इज अ राइट ट्रायंगल. अब हम कह सकते हैं इट इज अ राइट ट्रायंगल. यस सर. इफ यू वांट यू कैन डू दिस क्वेश्चन इन द कॉपी. कॉपी में ही करना ज्यादा बेटर है आई थिंक. ऑल ऑफ यू प्लीज ड्रॉ द फिगर एंड डू इट इन द कॉपी.
एंगल ही 90 डिग्रीज आ गया, वेरी गुड। तो ट्राइंगल एबीसी इज राइट ट्राइंगल, अगर ये राइट ट्राइंगल है तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाई जा सकती है। तो पहले पहचानिए कौन सी साइड यहाँ पर हाइपोटेन्यूज है। सर बीसी। बीसी, वेरी गुड। तो क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू बीसी इज द हाइपोटेन्यूज अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस अंकल ने बताया था दैट हाइपोटेन्यूज यानी कि BC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन सही आ रहा है, ऑप्शन 1, 2 और 3, व्हिच वन इज करेक्ट सर? थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। यस सर। ठीक है, थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट वन। ओके चलिए नाइन्थ करते हैं। तो सर लेकिन इसमें ए तो है ही नहीं। ए नहीं है बेटा, कहाँ पे ए नहीं है सर? लाइक तो बी दिया हुआ है 35 डिग्री सी 55। हाँ, ए क्यों नहीं है? ए क्यों नहीं है, मतलब एंगल ही हमने निकाल तो लिया 90 डिग्री। नहीं आया समझ में? अरे ये सर ना अब आया, मतलब हमने इसको प्लस किया उसके बाद तब आया है। हाँ एंगल 90 डिग्री आया, हमने वो सॉल्व करके निकाला एंगल निकाल लिया एंगल 90 डिग्री। तो 90 डिग्री आ गया, इसका मतलब इट इज अ राइट ट्राइंगल। राइट ट्राइंगल है तो यहाँ पे पाइथागोरस लगाई जा सकती है। राइट ट्राइंगल होगा तभी लगेगी पाइथागोरस, लग गई। सो पाइथागोरस लगने से मिला BC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। फाइन, यस सर, वेरी नाइस। पीरियड थोड़ा लंबी हो गया मुझे लग रहा है, ऐसा नहीं, सही है। ठीक है, 3 मिनट बचे हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। अ 15 मीटर लॉन्ग लैडर इज ब्लेजिंग इज अ वॉल टू रीच अ विंडो। बेटा फिगर देखिए बना हुआ है बुक में, आपको अपने आप सॉल्व करके निकालना है। क्वेश्चन 9 मैं नहीं बताऊंगा, आप लोग ट्राई करेंगे, सॉल्व इट योरसेल्फ, फाइंड द आंसर एंड सेंड योर आंसर इन द चैट बॉक्स। मैं नहीं बताऊंगा, वी हैव डन सो मेनी क्वेश्चंस ऑफ दिस टाइप ऑलरेडी।